साथियों यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत कई सालों से दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस डिफेंस इंपोर्टर्स में मैं एक प्रमुख देश रहा है जब भारत आजाद हुआ था उस समय रक्षा उत्पादन के लिए भारत में बहुत सामर्थ्य था उस समय भारत में 100 साल से अधिक समय से स्थापित रक्षा उत्पादन का इकोसिस्टम था और भारत जैसा सामर्थ्य और पोटेंशियल बहुत कम देशों के पास था लेकिन भारत का दुर्भाग्य रहा कि दशकों तक इस विषय पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था एक प्रकार से ये रूटीन एक्सरसाइज बन गया कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए और हमारे बाद में शुरुआत करने वाले अनेक देश भी पिछले पचास साल में हमसे बहुत आगे निकल गए लेकिन अब स्थिति बदल रही है पिछले कुछ वर्षों में आपने अनुभव किया होगा कि हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का एक निरंतर प्रयास है हमारा उद्देश्य है कि भारतीय में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े नई टेक्नोलॉजीज का भारत में ही विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो और इसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार लेवल प्लेइंग फील्ड की तैयारी एक्सपोर्ट की प्रक्रिया का सरलीकरण ऑफसेट के प्रावधानों में सुधार ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं साथियों मेरा मानना है कि इन कदमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है रक्षा क्षेत्र में देश में एक नई मानसिकता हम सब अनुभव कर रहे हैं एक नई मानसिकता का जन्म हुआ है आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना अनिवार्य है बहुत लंबे समय से देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा था लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था यह निर्णय नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है बहुत लंबे समय तक रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं थी श्रते अटल जी की सरकार के समय यह नई पहल की शुरुआत हुई थी हमारी सरकार आने के बाद इसमें और सुधार किए गए और अब पहली बार इस सेक्टर में 74% 74% परसेंट सेवेंटी परसेंट तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आने का रास्ता खोला जा रहा है यह नए भारत के आत्मविश्वास का परिणाम है दशकों से ऑर्डिनेंस कारखानों के सरकारी विभागों की तरह ही चलाया जा रहा था एक सीमित विजन के कारण देश का नुकसान तो हुआ ही वहां जो काम करने वाले लोग थे जिनके पास टैलेंट थी कमिटमेंट था मेहनती थे ये हमारा बहुत ही अनुभव से संपन्न हमारा जो मेहनत करने वाला श्रमिक वर्ग वहां जो है उनका तो बहुत नुकसान हुआ जिस सेक्टर में करोड़ों लोगों के रोजगार के अवसर बन सकते थे उसका इकोसिस्टम बहुत ही सीमित रहा अब ऑर्डिनेंस कारखानों का कॉरपोरेटाइजेशन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं इस प्रक्रिया के पूरा होने पर श्रमिकों और सेना दोनों को बल मिलेगा यह नए भारत के आत्मविश्वास का प्रमाण है